वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अपोजिशन है सपा और कांग्रेस टेररिस्ट के सिंपेथाइजर हैं, आपका क्या स्टैंड रहेगा प्रधानमंत्री ने? मैं इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है, वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, यहाँ पे छुट्टा जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इनके बारे में क्या कर रहे हैं? उन्होंने इतने सालों से कुछ नहीं कहा, आज कह रहे हैं कि अभी उनको जानकारी मिली है इन समस्याओं के बारे में। ये क्या मतलब है भाई? आप प्रधानमंत्री हैं क्या? मुख्यमंत्री जी आपको जानकारी नहीं देते? 5 साल से आपकी सरकार थी तो आपने ये समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया? बेरोजगार तमाम नौजवान क्यों पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में जब आपके पास सरकारी पद हैं? महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है जब आपकी केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है? और ये छुट्टा जानवर की जो समस्या है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने उसको सुलझाया है ना? तो 5 साल से आप सरकार में हैं, तो ये जो आप आज चुनाव के समय कह रहे हैं कि हम गोबर खरीदेंगे जैसे छत्तीसगढ़ में खरीदी जाती है, आज क्यों कह रहे हैं? 5 सालों से क्यों नहीं किया आपने? हवाई अड्डे आज क्यों खुल रहे हैं? आपने PSU क्यों बेचे? उन्हीं से तो रोजगार मिलता है। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं?